हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है रंजीत कुमार और जॉइन सिक्योरिटी में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि विजिटर मैनेजमेंट के बारे में। तो विजिटर के बारे में कोई भी कंपनी फैक्ट्री में अगर विजिटर आते हैं तो किस हिसाब से उसे गेट पास दिया जाता है, विजिटर पास दिया जाता है, फिर उसे जो अंदर में एंट्री लिया जाता है, तो आज इस पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं, सबसे पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें ताकि हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपसे मिले, आपको मिले। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों, आज विजिटर के बारे में जानेंगे। विजिटर के किस हिसाब से एंट्री किया जाता है और किस हिसाब से उसे एंट्री अंदर में लिया जाता है। तो विजिटर कंपनी और फैक्ट्री सब तरह का अलग अलग सिस्टम होते हैं। तो आज बात करेंगे जिस कंपनी में मैं अभी प्रेजेंट में हूँ उस हिसाब के कुछ रूल हम बताएंगे और दिखाएंगे भी जो किस तरह से जो है वो उसका विजिटर पास दिया जाता है। तो बात करें जैसे कि अगर कंपनी हो या फैक्ट्री हो, उसमें अगर विजिटर रहते हैं, क्लाइंट रहते हैं, अगर दूर दूर से अगर आते हैं कोई, अगर क्लाइंट हो या विजिटर हो, तो उसका पहले इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम को दे दिया जाता है जो आज इतने बजे, इतने तारीख को, इतने बजे विजिटर आने वाले हैं। उसका नाम भी दिया जाता है जो ये नाम के और यहाँ से आ रहे हैं। तो उस हिसाब से आप जो है SOP के तहत जो कंपनी का रूल रेगुलेशन है उस तरह का SOP बनाया हुआ रहता है यहाँ पर, तो उसे किस तरह से जो है प्रवेश किया लिया जाए और किस हिसाब से उसे एंट्री दिया जाए। तो बात करते हैं, उसे आते हैं तो सबसे पहले जो है उसे गुड मॉर्निंग, नमस्कार ऐसे करके बोले जाते हैं। बोलने के बाद बात करते हैं उसे एंट्री प्रोसेस का। तो रजिस्टर दिया रहता है और कितने जगह सिस्टम रहते हैं, सिस्टम में उसे बायोडाटा के साथ जो है उसका आईडी कार्ड लिया जाता है, आईडी कार्ड के हिसाब से उसे नाम और कहाँ से आए हैं हर चीज़ उसका जो है लिखा जाता है। और बात करते हैं आईडी कार्ड विजिटर पास का, तो जहाँ पे मैं भी कर रहा हूँ उसे वहाँ पे इस तरह का जो है विजिटर पास SGS विजिटर और ये लेनियर है। तो इस हिसाब से जो है उसमें विजिटर कार्ड जो है उसे दिया जाता है। फिर उसके बाद जो है बात करते हैं एंट्री का। एंट्री प्रोसेस में मैं बात रजिस्टर दिखाऊंगा जिसमें जो है एंट्री किया जाता है और पूरा बायोडाटा भरा जाता है उसमें, और बायोडाटा उसका आईडी कार्ड लेकर के उसमें बायोडाटा भरते हैं। तो ये इस तरह का रहता है विजिटर लॉग बुक। तो ये इसमें जो है देने की बात करें सिस्टम, तो इसमें जो है नाम वाम के साथ साथ जो है पूरा बायोडाटा भरे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है डेट नाम भरा जाता है और उसके बाद जो है आईडी कार्ड लिया जाता है। तो आईडी कार्ड अगर लेते हैं वोटर आईडी कार्ड, कम से कम वो चलो हो जाता है, वोटर आईडी कार्ड भी ले लेते हैं, नहीं तो पैन कार्ड से लिया जाता है, नहीं तो उसका पासपोर्ट भी लिया जाता है। उस हिसाब से और उसका आईडी कार्ड का नाम और उसका जो है आईडी नंबर हुआ जाता होता है उसमें सीरियल नंबर, तो वो नंबर लिखा जाता है। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर लिया जाता है, उसके बाद कहाँ से आए हैं, कोई कंपनी से तो नहीं आया, वो कंपनी का नाम लिखा जाता है, और बात करते वो किससे मिलने आए हैं उसका भी नाम लिखा जाता है, और पर्पस वो कौन से काम से आए हैं, अपने कंपनी का तो नाम लिखेगा जहाँ से आए हैं, और उसको पर्पस भी लिखा जाता है जो कौन सी पर्पस है, ऑफिशियल में से किस टाइप का उसका काम है यहाँ पे। उसके बाद बात करते हैं एड्रेस का, एड्रेस वो कहाँ से आए हैं, आईडी कार्ड पे लिखा रहता है वो उसका एड्रेस दिया जाता है। फिर इन टाइम आउट टाइम सिग्नेचर, उसके बाद उसमें जो है ये भी प्रॉपर चेक हुआ तो होता है जो उसके पास सिस्टम में जैसे कि लैपटॉप मोबाइल फोन ये सब है, तो उसका एंट्री जो है उस हिसाब से जो है किया जाता है, और सिस्टम का भी लिखा जाता है जिसके पास लैपटॉप है, मोबाइल फोन है, और जो है ये मटेरियल भी है, जो कोई मटेरियल रहता है वो भी लिखा जाता है। तो उस हिसाब से जो है विजिटर का SOP में जो दिया जाता है, जो इस हिसाब से जो है रूल रेगुलेशन के हिसाब से जो है उसका एंट्री किया जाता है, उसके पास उसके बाद ये एंट्री होने के बाद उसको विजिटर पास दिया जाता है जो हम आपको दिखाए थे, ऐसे वाला विजिटर पास रहता है। फिर उसे दिया जाता है, फिर उसका टाइमिंग भी दिया जाता है जितने बजे से इतने बजे तक ये यहाँ पे कंपनी में रहेंगे। तो फिर विजिटर का कुछ खास नहीं है, बस इतना ही है, और इसे ही इंची वजह होता है और इसी तरह उसका जो है प्रोसेस। दोस्तों जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें ताकि हमारा वीडियो हमारा अपलोड